और इस बीच एक और बड़ी खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। हमने पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसके अलावा एसबीआई चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता, आपको आदेश समझना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। ये भी उन्होंने कहा कि एसबीआई हमारे आदेश पर निर्भर ना रहे। तो महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, इलेक्टोरल बॉन्ड। और इस तहत जो अभी तक सुनवाई के तहत जो जानकारी मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो बयान कि हमने पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा था, एसबीआई सिर्फ चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता, आपको आदेश समझना चाहिए था, जो आदेश दिया गया था उसकी पालना होनी चाहिए थी और एसबीआई हमारे आदेश पर निर्भर ना रहे। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहा गया एसबीआई को। और इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सुनवाई जारी है उसी के तहत ये जानकारी मिल रही है। अब देखना होगा किस तरीके से पक्ष एसबीआई अपना रखेगा और जो जानकारी साझा करने के लिए कही गई थी, क्या वो सभी जानकारी, पूरा ब्यौरा अब सुप्रीम कोर्ट में जल्द सामने आ पाएगा, क्योंकि साफ कह दिया गया एसबीआई की तरफ से कि आपको हमने पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा था, सिर्फ चुनिंदा जानकारी आप नहीं दे सकते हैं, पूरी जानकारी आप दीजिए, डिटेल डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग, और आपको आदेश समझना चाहिए था। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको आदेश समझना चाहिए था और एसबीआई सिर्फ हमारे आदेश पर निर्भर ना रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान सुनवाई के तहत जो कहा गया है। अपनी बात सुप्रीम कोर्ट ने सभी सुनवाई के तहत जो पक्ष एसबीआई की तरफ से सुना गया तो पक्ष फिर सुप्रीम कोर्ट का सामने आया। इस सुनवाई के बाद उन्होंने यहां पर कहा है सीधा एसबीआई को कि सिर्फ आप महज चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकते, जो कहा गया था, जो आदेश दिया गया था, आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश समझना चाहिए था और आप सिर्फ हमारे आदेश पर भी निर्भर नहीं रह सकते। सुमित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनका रुख करेंगे। साफ साफ कह दिया गया है कि ना तो आप हमारे आदेश पर निर्भर रहें और साथ में यह भी कहा कि सिर्फ आप चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकते, अब एसबीआई की तरफ से अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। एसबीआई की ओर से हरीश सालवे जो हैं वो पेश हुए हैं और उन्हें वो दलील दे रहे हैं कि इसी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था, जो कि उन्हें समय जो है वो नहीं मिला। निश्चित तौर पर इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से टिप्पणी की है कि हमने जो आपको आदेश दिया था कि आप इस पूरे मसले से जुड़े, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े जितनी भी जानकारी है वो चुनाव आयोग को सौंपेंगे, जिसमें बॉन्ड नंबर भी शामिल था, तो आखिरकार आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ये सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से सवाल किया है। एसबीआई की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश सालवे पेश हुए हैं, वो फिलहाल दलीलें जो हैं वो कोर्ट में रख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट आदेश दे सकता है कि क्या इस पूरे मसले को लेकर जो बॉन्ड नंबर है उसका खुलासा एसबीआई को करना है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में आदेश दे सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ में सुनवाई जारी है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई इस वक्त कर रही है। ठीक है सुमित, लेकिन जरा बताइए सुनवाई और कितनी देर तक चलेगी, क्योंकि अभी भी जैसे कि आपने कहा कि पूरा प्रोसेस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि ये तो कह दिया गया कि आप हम पर निर्भर ना रहें कि हम कौन सा आदेश दे रहे हैं, और हालांकि एसबीआई की तरफ से कहा गया था कि वक्त दिया जाए, तो क्या लगता है कि राहत मिलेगी वक्त को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से साफ किया है कि जो हमारा आदेश था वो समुचित जानकारी, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी वो चुनाव आयोग को देना था, जिसमें सीधे तौर पर बॉन्ड नंबर भी शामिल है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्लैरिफाई किया है, जिस पर हरीश सालवे ने कहा है कि बॉन्ड नंबर जहां तक देने की बात है वो हम ही देंगे, लेकिन फिलहाल इसमें समय की जो है वो जरूरत है इसमें, क्योंकि कोर्ट ने इससे पहले जो एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी, 4 महीनों की मांग की थी कि जून तक हमें मोहलत दी जाए ताकि सारी जानकारी हम चुनाव आयोग को दे दें, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की उस मांग को ठुकरा दिया था। लेकिन अब एसबीआई की ओर से कहा जा रहा है कि बॉन्ड से जुड़ी जो जानकारी है जिसमें बॉन्ड नंबर भी शामिल है उसको हमें देना है, लेकिन हमें कुछ समय की मोहलत हमें चाहिए। तो फिलहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है, कुछ ही देर में जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि क्या
बॉन्ड नंबर का खुलासा एसबीआई को कब करना है, क्योंकि बॉन्ड नंबर का जब तक खुलासा नहीं होगा तब तक किसने किसको कितना चंदा दिया इसकी क्लैरिटी जो है वो नहीं हो सकती है। इस लिहाज से बॉन्ड नंबर का खुलासा करना बेहद अहम है। तो आपसे थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर आदेश दे सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पिछले 15 से 20 मिनट से जारी है। ठीक है, आगे भी आपका रुख करेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल सुमित बहुत शुक्रिया विस्तार से समझाने के लिए।